मेरे बच्चे को मेरी बीवी कमा कर लाती है, क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा मैं। मेरी बीवी जाती है उधर जिस से लाती है, वहाँ के इस वक्त खाना में कुछ नहीं है। मैं मेरी मदद करे तो मैं ऑपरेशन करवाऊँगा। मेरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कहते बच के तभी मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कमा कर लाऊंगा। जल्दी ठीक होना चाहिए मेरा बुत, जल्दी ठीक होना चाहिए मेरा बुत बीमार है। घर में भी कुछ नहीं है, ऐसे ही बैठ करते हैं हम, ऐसे ही कुछ नहीं खाने को, कुछ लगता है ना कुछ है, बीमार है, कोई देता नहीं कुछ नहीं। दीदा क्या पूछे क्या करूँगा फिर, मैं कहाँ जाऊँगा बच्चों के लिए जाऊँगा क्या, कमाने के लिए कहाँ जाऊँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सईद नज़ा खलीफा आपकी खिदमत में हाज़िर। इस टाइम मौजूद हैं सेंट्रल कश्मीर गांदरबल के अंदरवन में, और आज जो रिपोर्ट हम आप तक लेके आ रहे हैं वो रिपोर्ट करने में भी बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि जब आप ऐसी स्टोरीज़ देखते हैं कहीं ना कहीं इंसानियत को ज़िंदा होने की ज़रूरत होती है। और अक्सर कश्मीर में जो भी स्टोरीज़ की जाती हैं, जो डोनेशंस के हवाले से बड़ा सपोर्ट मिलता है, और जो पेशेंट्स हैं जो बहुत ही पोर फैमिली से हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के साथ जो टच हैं पेशेंट्स, तो उनकी हेल्प हो जाती है और कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी बचाने में आप लोगों का एक अहम रोल होता है। तो आज एक और दुख भरी ये हकीकत है, ये कोई कहानी नहीं, ये दुख भरी हकीकत है जो हम अपने नाज़रीन तक लेके आ रहे हैं। ये सामने ये जो पेशेंट हैं अंदरवन में ये रहते हैं, तो बहुत ही कंडी इलाका है, और बड़ा पैदल चल के हमें यहाँ पहुँचना पड़ा। इन जब हमने सुना इनके बारे में पता चला, तो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आप देख सकते हैं, इनके ये चार बच्चे हैं, एक बच्चा भी बाहर है, बच्चियाँ हैं तीन, एक छोटा बच्चा है और एक इनकी जो अहलिया है। तो कमाने वाला एक वाहिद बंदा जो था वो 2019 से इसी हालत में पड़ा हुआ है। तो अब इसकी एक सर्जरी हो गई है, दोनों किडनियां भी इसकी ख़राब हैं। तो अब आप भी लोगों की पे उम्मीद रखें, इन्होंने भी हमें बुलाया है कि हमेशा कश्मीरी कौम जो है वो मदद करती है, आज हमारी भी मदद करें। अब इन्हीं से थोड़ा हम जानेंगे इनकी बीमारी के बारे में, कब से ये ऐसे इस हालत में है, थोड़ा सा से जानेंगे। मारो जी, मेरे को कोई नहीं करने वाला घर में, मेरे को छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई भी नहीं है भाई, भी कोई मदद नहीं करता है, क्या करूँगा मैं। तो थोड़ा मुझे उधर इधर से देते थे, तो बस कोई नहीं है, और कोई ना कोई मदद करो जी, मेरा तो सर्जरी हो जाए जी, तो कोई ना कोई होना चाहिए जी आप, कोई नहीं। और ही था गाँव में कोई भी नहीं कर सकता, कोई कदे कश्मीरी इलाके में कदे कोई है, चलो वही कदे इमदाद करेगा, कोई नहीं कोई, तो सर्जरी होनी चाहिए मेरे को यहाँ कोई भी नहीं गाँव में, कोई गाँव में कर ही नहीं सकता, मैं क्या कर सकता हूँ। चलो मैं तो काम मजदूरी नहीं कर सकता हूँ कुछ भी, कोई भी बिल्कुल, क्या करूँगा मैं। मेरे को सर्जरी के लिए, मेरे को बच्चों के लिए कपड़े कुछ नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा भला। दीदी पूछे क्या करूँगा फिर, मैं कहाँ जाऊँगा बच्चों के लिए जाऊंगा कि कमाने के लिए कहाँ जाऊंगा मैं। तुम बच्चों को देती हूँ, घर वाला बीमार है, कितना टाइम हो गया, खुद कमाती हूँ लाती हूँ, कुछ नहीं है घर में, तो इसीलिए हम बोलते हैं जो कुछ होना चाहिए हमें, क्या करेंगे, बहुत बहुत गरीब हैं, कुछ नहीं है ना कुछ है। अब सब लोग बड़े दिन आ गया, सबों के बच्चे खुशी करते, हमारे बच्चे रोते हैं, हम ये चाहते हैं हमारे लिए कुछ मदद होना चाहिए, और ये इसके से ही होती है। मैं मीर हुसैन चौधरी अंदरवन से, ये मीर अहमद खान जो है ये अंदरवानी का रहने वाला है, इसके दोनों गुर्दे जो हैं डेड हुए हैं, बिल्कुल बेकार है, इसकी फैमिली भी है और बीवी है, वो नरेगा काम करती है, करके इसको लेना देना होता है, थोड़ा बहुत होता है तो चलता है। अब वो भी घर के इसी के साथ लगी हुई है, कभी इसको उठाना, कभी बाथरूम लेना, कभी कहीं, तो वो भी समझो बेकार है। अब इसका जितना हो सके इसकी मदद की जाए और वीडियो शेयर किया जाए। बाकी असल नाज़रीन ये इतने मायूस कुन हैं कि अपनी बात भी नहीं रख पा रहे,
खाली एक ही बात है इनकी कि इनकी जो सर्जरी है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद करें। जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, इनकी जितनी हो सके डोनेशंस करें इनके अकाउंट में। हम नीचे अकाउंट नंबर भी इनका शेयर करेंगे, उनमें डोनेशंस करें ताकि एक इंसानी जान बचाई जा सके, क्योंकि इंसानी जान बचाना आप लोगों का भी फ़र्ज़ है और इंसानियत का भी तकाजा है कि इंसानी जान बचाना और दूसरों की मदद करना। और छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इसकी एक वाहिद कमाने वाला स्टेम आपसे मदद की तलब कर रहा है। तो अब दीजिए अपने मेज़बान सईद नज़ाक को इजाज़त। अल्लाह ने चाहा एक और रिपोर्ट के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।